इंसान वैसे ही दरिंदा न जाने कब बन जाता है, पता भी नहीं चलता है। ऊपर से दिखाई देता है कि यह इंसान बहुत शांत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन न जाने कब उसके अंदर का जो शैतान है वो जाग जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। आज का जो किस्सा है वह भी ऐसा ही है। दोस्तों, यह घटना अलीगढ़ के एक गांव की है, जहां पर एक शकील नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, और उसके घर में उसकी पत्नी है जिसका नाम गुड्डी है, और उसकी तीन बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी 8 साल की, एक 7 की, एक 3 साल की। अच्छे से अपने परिवार में रह रहा होता है। उसकी एक दुकान होती है बाजार में, और वह दुकान पर जाया करता है, घर पर उसकी पत्नी और उसकी बच्चियां रहा करती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मुस्लिम धर्म में रोजे रखे जाते हैं जिससे कि आत्मा और मन पवित्र हो जाए। तो रोजों का टाइम था, रोजों के टाइम थे, तो वह दुकान से शाम को घर पर आता है। उसकी पत्नी उसके लिए हरी सब्जियां बनाती है खाने के लिए, लेकिन शकील सब्जी को देखकर एकदम से झिल्ला जाता है और वो कह देता है कि मीट क्यों नहीं बनाई। तो उसकी पत्नी कहती है कि आज हरी सब्जियां खा लो, अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, लेकिन वह झिल्ला जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, कलह हो जाता है उन दोनों पति पत्नी के बीच में। शकील उससे मीट मांगता है, गुड्डी कहती है कि हरी सब्जियां ही खानी है, यही खा लो, यही अच्छी रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर बात नहीं बनती है, उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और झगड़ा उस लेवल तक बढ़ जाता है कि अब शकील एक चाकू उठाता है और चाकू से अपनी पत्नी के गले को काट देता है। जैसे पत्नी के गले को काटा जाता है, तो वहाँ पर जोर जोर से उसकी पत्नी के गले में से खून बहने लगता है, वह तड़पने लगती है। उसके बाद उसकी तीनों बेटियां आती हैं अपनी माँ को बचाने के लिए, लेकिन वह अपनी बेटियों के बालों को पकड़ कर भी उखाड़ लेता है, इधर उधर घुमाकर फेंक देता है। दोस्तों, उसके बाद वह घबरा जाता है और घर से वह फरार हो जाता है। जो बेटियां होती हैं वह रोने लगती हैं, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और सारी घटना बेटियां आस पड़ोस के लोगों को बता देती हैं। लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, और फिर उसके बाद शकील को ढूंढने में लग जाती है। उसके फ़ोन के द्वारा उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, और उसको जल्दी ही 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसको पकड़ लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात, सब्ज़ी सिर्फ मीट होनी चाहिए यह कोई ज़रूरी नहीं है, किसी दूसरे जीव की हत्या होती है। और दूसरी बात, यहाँ पर उसकी पत्नी ने हरी सब्जियाँ बनाई थी, क्या वह बुरी थी, क्या इतनी भी संतुष्टि नहीं थी उस आदमी को? यहाँ पर एक इंसान ने मीट नहीं मिला तो क्या वह अपनी पत्नी को ही मार डालेगा, अपने बच्चों को ही मार डालेगा? यह कहाँ की इंसानियत है? ऐसे ऐसे लोग इस समाज के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में जिसने अपने परिवार को, जो हंसता खेलता परिवार था, एक छोटी सी बात के ऊपर उसका सत्यानाश कर दिया? ऐसे ऐसे लोग भी समाज के अंदर रहते हैं, और ऐसी ऐसी मानसिकता भी उन लोगों के अंदर रहती है। तो दोस्तों, घर के अंदर कई बार ऐसा होता है, मनचाही सब्जी नहीं भी बन पाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप घर के अंदर कलह मचा दोगे। जैसी सब्जी बनी है वैसी सब्जी खा लेनी चाहिए। वो कहा है किसी कवि ने कि रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पी, यानी कि जैसी मिल जाए वैसी खा करके ठंडा पानी पिए और ऊपर वाले का नाम लें। खाने के ऊपर ज़्यादा मरना अच्छा भी नहीं होता है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने, जिसको मूर्ख व्यक्ति कहेंगे, इसने अपने परिवार का सत्यानाश कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।